आइए बच्चों, आज भालू और दो मित्र की कहानी सुनते हैं। मित्र दोस्त को कहते हैं, तो ये कहानी भालू और दो दोस्तों की है। दो दोस्त एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफ़ी गहरे मित्र थे, काफ़ी गहरे दोस्त थे। सभी लोग उनकी दोस्ती की बातें करते थे और कहते थे कि दोस्ती हो तो इनके जैसी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन दोनों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उनको जंगल पार करना ही था दूसरे गांव जाने के लिए। इसलिए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे अगर कोई भी एक मुसीबत में फंसा। कुछ देर के बाद चलते चलते दोनों अपने सामने झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। तभी एक बड़ी सी काली छाया उनको दिखी अपने सामने। अरे ये क्या, ये तो एक जंगली भालू है। तुरंत एक दोस्त दौड़ा और भागते हुए पास के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था और भालू भी नज़दीक आ गया था। तभी उसको एक उपाय सूझा। वो ज़मीन पर अपनी सांस रोककर आंखें बंद करके लेट गया, जैसे कि वो एक मरा हुआ हो। पेड़ पर चढ़ा दोस्त यह सब देख रहा था। भालू उस ज़मीन पर लेटे हुए दोस्त के पास आया, उसका मुआयना करने लगा, उसके कानों के पास सूंघने लगा। इसके बाद धीरे धीरे भालू वहाँ से चला गया, क्योंकि भालू कभी भी कोई मरे हुए प्राणी को नहीं खाते। ज़मीन पर लेटे हुए दोस्त ने राहत की सांस ली। अब दूसरा दोस्त जो पेड़ पर चढ़ा था वो नीचे उतरा और ज़मीन पर जो दोस्त था उससे पूछा, भालू ने तुम्हारे कानों में क्या कहा है? इस पर मरा हुआ नाटक कर रहे दोस्त ने कहा मुस्कुराते हुए, भालू कह रहा था, बुरे वक्त में ही सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्त के साथ मत रहो। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है और मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद करता है।